अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैर वाफिया से होंगे। फ्रेंड्स, बारिश का मौसम बना हुआ है और गवादर के अंदर बहुत तूफान चल रहा है, यानी कि हवाएं बहुत ज़्यादा चल रही है माशाल्लाह। तो बारिश हल्की हल्की सी हो रही है, जैसे कि मैं भी भीग गया हूँ। तो मौसम बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बना हुआ है। तो आज मैं फिर उस पॉइंट पर आया हूँ जिस पॉइंट पर मैं कल आया था। तो कल जो व्लॉग मैंने अपलोड किया था जिस पॉइंट से, उसी पॉइंट पर आज आया हूँ आप दोस्तों को दिखाने के लिए कि बारिश के दिनों जब समंदर के अंदर तूफान होता है तो समंदर के कैसी मौजें होती हैं, लहरें कैसी होती हैं और हालात क्या होते हैं समंदर के। तो आज मैं आप दोस्तों को वो चीज़ दिखा रहा हूँ। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आज का व्लॉग आप दोस्तों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और इंशाल्लाह आप लोगों ने व्लॉग कंप्लीट देखना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है जो नए दोस्त आए, और जो पुराने दोस्त हैं वो लाइक कर दें प्लीज़ मेरे चैनल को। कर दिए तो आप इसमें से अंदाजा लगा सकते हैं कि पानी कितना गहरा पानी है, उसकी ताकत इतनी है कि ये चाह रहा है कि मुझे रास्ता मिले कि मैं आगे जाऊं। पत्थरों को गिराता हुआ तो मैं सारा भीग जाऊं। तो माशाल्लाह हवा ज़्यादा चल रही है, तूफानी हवाएं चल रही है। तो मुझे तो वो दिन याद आ गया जो आपको पता कि आज से 4-5 माह पहले भी गवादर के अंदर बारिश हुई थी, बहुत बड़ा नुकसान हुआ था समंदर में, उस टाइम पर तूफान आया था। तो अभी भी वही हालात बने हुए हैं। तो पानी अपनी मौजों में, समंदर मौसम तो यार बहुत ज़बरदस्त बन गया है। तभी ये पोर्ट के ऊपर देखें बादल किस तरह से नज़र आ रहे हैं, माशाल्लाह बड़ा ही आउट क्लास माशाल्लाह मौसम बना हुआ है। पर हवाएं ज़्यादा चल रही है, तूफान का माहौल बना हुआ है। जब समंदर के हालात देखते हैं तो फिर एक डर भी लग रहा है कि यार ये नुकसान नहीं हो जाएगा। ख़ासतौर पर माहीगीर जो होते हैं उनका ज़्यादा नुकसान होता है। यहाँ आने से आज एक पता पड़ा, जैसे कल मैं आप दोस्तों को बता रहा था कि इन्होंने एक इसको बाउंड्री वाल दिया हुआ है ताकि समंदर के अंदर कभी तूफान आ जाए तो जो माहीगरों का सबसे ज़्यादा नुकसान होता था। तो माहीगरों को ये पानी आ रहा है देखें, तो इस माहीगरों को समंदर के तूफान से बचाने के लिए, नुकसान से बचाने के लिए इन्होंने बहुत बड़ा ये समंदर के अंदर एक बंद बनाया है। तो अभी मैं आप दोस्तों को दिखाता हूँ। तो ये आप देखेंगे मेरे पीछे ना, ये सारा देखें समंदर का पानी है, ये भी समंदर ही है, मगर ये बिल्कुल सामने यानी कि इजी है, यानी कि इसमें कोई भी वो लहरें नहीं बन रही, कोई भी नहीं, जैसे कि कोई झील का पानी एक जगह पे रुका हुआ हो ना, तो ये इस तरह की पोजीशन बनी हुई है। मगर यही मेरे पीछे आप देखें, इस तरफ जो खुला समंदर है इसके हालात देखें, इसके अंदर तूफान चला हुआ है, अभी समंदरी तूफान जो बोलते हैं वो इधर चल रहा है। मगर इसकी मौजें देखें आप, और इसकी मौजें देखें, यानी कि यहाँ पर जो भी कश्तियाँ हैं माहीगीर अपने लेके आ गए, यहाँ पे खड़ी करते हैं ताकि उनको नुकसान नहीं हो। तो ये नुकसान से बचाने के लिए ये गवर्नमेंट ने ख़ासतौर पे गवादर के माहीगीरों के लिए बहुत ज़बरदस्त काम किया है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए माशाल्लाह ये गवर्नमेंट के काम को। तो मैं अभी देखें, ये इतना दूर हूँ मैं, यकीन जाने के पानी ऐसे आ रहा है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। ये देखें ना, इस तरह के हालात में नुकसान होते हैं। अभी मैं ये एक सामने कश्ती में आप दोस्तों को दिखाता हूँ, तो वो कश्ती भी इस तूफान के अंदर टूट गई है, तो पूरी कश्ती टूट गई है। तो उसका जो ढांचा है वो इधर पड़ा हुआ है किनारे पे,
तो चले मैं आपको वो दिखाता हूँ, आप विजिट करें। तो इसकी मौजें देखें, समंदर की पानी देखें किस तरह से बाहर आ रहा है। ये जो कश्ती है ये समंदर की इस मौजों में टूट गई है, तो ये दो हिस्सों में हो गई है। तो पानी इससे बाहर आ रहा है कि अगर ये शायद बंद नहीं होता तो ये बहुत नुकसान हो जाता था। इस बंद की वजह से बहुत ज़्यादा सेफ कश्तियाँ रह गई है जो दूसरी तरफ खड़ी की हुई लोगों ने, तो उनकी कश्तियाँ बहुत माशाल्लाह महफूज जगह पर है। तो फ्रेंड्स मैं अभी आप दोस्तों के इजाज़त लूँगा कि मैं पूरा भिगा हुआ हूँ, ये देखें आपको दिखा रहा हूँ। पानी की लहरें बहुत ज़्यादा है, पानी बल्कि ऊपर तक आ रहा है। मैं तो ऊपर दीवार पर यहाँ पर खड़ा होकर व्लॉग बना रहा हूँ, मगर पानी की इतनी ज़्यादा मौजें लहरें तेज है कि पानी ऊपर तक उछल के आ रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आज का मेरा व्लॉग था वो आप दोस्तों को ज़रूर पसंद आया होगा। तो मुझे इजाज़त है, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह ताला फिर एक और पॉइंट से एक और व्लॉग में मिलेंगे। आप अपने दोस्त जाहिद बोजार को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।